सीवली परितंग लाभी भिक्षु में अग्रा सीवली भिक्षु अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि अरहं सम्यक् संबुद्धा भगवान को अभिवादन करता हूं। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूं। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूं। साधु 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 सीवली भिक्षु तथागत बुद्ध के अनगिनत अग्रस्थान प्राप्त भिक्षुओं में से लाभ सत्कार प्राप्ति के अग्र भिक्षु थे। उनके होते हुए भिक्षु संघ में कभी भी कुछ भी अभाव नहीं होते थे। जटिल से जटिल समस्या और कठिनाइयां, मुश्किलें और तकलीफें भी बखूबी से सहज सरल और सफलता से हल हो जाते थे। सीवली भिक्षु सुख लेते देते आगे बढ़ते रहे। बहुत दूर दूर तक मुश्किल स्थलों में मुश्किल गांव में जाकर धम्म के प्रचार प्रसार से लोग की कल्याण किए। उनके अपने उच्च कर्म से उच्च पुण्य से सफर या प्रवास में अन्न वस्त्र या चीवर पिंडपात आदि की कभी भी कमी नहीं रही। जहां जहां भी वो गए वहां वहां अन्न वस्त्र का भंडार ही भंडार होता था। कभी कभी तो स्वयं तथागत बुद्ध भी भोजन अभाव के स्थानों पर जाते समय सीवली भिक्षु को साथ में लेकर जाते थे। एक समय तथागत बुद्ध खदीर वोनिये रेवत स्थावीर को मिलने गए थे। इस कठिन और मुश्किल सफर में तथागत बुद्ध ने सीवली भिक्षु को साथ में लेकर गए। ऐसी दिक्कत मुश्किल तकलीफ से भरपूर्ण विकट कठिन सफर के समय में भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ। सीवली स्थावीर और उनके साथी जो रहे उनको सुख और सुख ही मिलता रहा। ऐसे ही कारणों से उन्हें ऐश्वर्यवान लाभी भिक्षुओं का अग्रस्थान मिला था।
शिवली बिच्छू की कहानी कुछ इस तरह आते हैं। तथागत बुद्ध के श्राविका, उपासिका और कोली राजा के एक सुपुत्री थी जिसकी नाम थी सुप्रवासा। वही सुप्रवासा जिन्हें आगे चलकर तथागत बुद्ध ने संघ को प्रणीत उत्तम भोजन दान देने वाले दायिकाओं में श्रेष्ठ अग्रलाभी घोषणा किया गया था। वही सुप्रवासा ने 7 साल तक गर्भ धारण किए और 7 दिन तक असह्य प्रसूति वेदना के कष्ट सही। ऐसे समय में उन्हें याद आई वो भगवान सम्यक संबुद्धा ऐसे दुखों के नाश के लिए धम्मो उपदेश करते हैं। उनके श्रावक संघ भी सुप्रतिपन्न है जो ऐसे दुखों के नाश हेतु आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा बोधित निर्वाण भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है जिससे आगे ऐसे दुख न हो। ऐसी भावना करते हुए तथागत बुद्ध ने तत्काल ही आशीर्वाद वाणी कहते हैं, सुखिनो हो तु सुपवासा गोलियतीता अरोगा अरोगं उत्तम जने। अर्थात सुपवासा कोलिय पुत्री सुखी हो, निरोग होती हुई स्वस्था पुत्र को जन्म दे। तथागत बुद्ध के आशीर्वाद वाणी प्राप्त होते ही सुप्रवासा ने इधर एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दे दी। सभी के मन में अपूर्व आनंद और खुशी हुई। बुद्ध के सम्मान में वहां 7 दिनों तक उत्सव भी रखा गया। उस बालक का नाम भी शुभ के अर्थ में शिवली रख दिया। एक दिन तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र भिक्षु शिवली के घर में गए थे। शिवली ने प्रव्रजित होने की इच्छा की। वो अपने छोटे से समय में ही प्रव्रजा दीक्षा लेकर बुद्ध के शिष्य बन गए। बाद में उन्होंने सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया। दुख मुक्त निर्वाण परम पद पाने के पश्चात शिवली बिच्छू ने इस उदान को प्रकट किया, ते मे इच्छि सुन संकप्पा यदत्थो पानि सुकुतिं विद्या विमुक्ति पच्चेसं माननु सयमुच्चहन्ति। अर्थात जिस उद्देश्य से मैंने कुटी में प्रवेश किया मेरे वो सभी संकल्प पूरे हुए। मैंने विद्या और विमुक्त को खोजा है और
पूर्ण रूप से अपने अभिमान को नष्ट कर लिया है। एक दिन भिक्षुओं ने धर्म सभा में चर्चा उठाई, आयुष्मानों देखो ऐसे अर्हत्व प्राप्त भिक्षु शिवलिंग भी अधिक समय तक माता के गोद में असहनीय पीड़ा कष्ट अनुभव करता रहा। तब दूसरे साधारण इंसानों की तो बात ही क्या, इस दुख को पार करना बहुत कठिन है। उस धर्म सभा में तथागत बुद्ध भी पहुंच गए। उन्होंने भिक्षु संघ को संबोधन करते हुए बताते हैं, भिक्षु मेरे शिष्य शिवली इसी दुष्कर दुख से मुक्त होकर अरहत्व प्राप्त कर सुख पूर्वक साधना करता है। ऐसे कहते हुए तथागत बुद्ध ने गाथा द्वारा समझाते हैं, यो मं पली पथं दुःखं संसारं मोहमच्छका तिन्नो पारगतो छाई अनेजो अकथं कथा अनुपादाय निपुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसने इस दुर्गम संसार या जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो तरा हुआ पार गया हुआ ध्यानी तृष्णा विरहित होने से स्थिर संदेह रहित और बिना किसी उपादान के निर्वाण लाभी हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तथागत बुद्ध के ये गाथा ये उपदेश धम्म पद के ब्राह्मण वक्त गाथा नंबर 414 में संग्रह किया हुआ है। तथागत बुद्ध के सक्षम असंख्य भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिकाएं थे, जिनको समय और योग्यता के हिसाब से तथागत बुद्ध ने चार परिषद के सामने अग्र स्थान पद की घोषणा किया गया था। उसी तरह अग्रस्थान पद की घोषणा करते हुए एक समय तथागत बुद्ध ने इस तरह भी कहे थे, ये तदग्गं भिक्खवे मम सावकानं भिक्खुनं लाभिनं यदिदं शिवलि। अर्थात भिक्षुओं मेरे लाभी श्रावक भिक्षुओं में अग्रहे शिवलि। विशेषतः बौद्ध राष्ट्रों में अपनी उन्नति और प्रगति के लिए अपने दुकान कार्यालय घरों में शिवलि भिक्षु का मूर्ति या तस्वीरें भी रखते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ बड़े
आस्था के साथ, क्योंकि वो है लाभ सत्कार में अग्र सीवली भिक्षु, क्योंकि वो है स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा अग्रलाभी सम्मान प्राप्त सीवली भिक्षु। आइए उन ऐश्वर्यवान अग्रलाभी सीवली भिक्षु की सुत्त पात करते हैं, साथ ही साथ उन सुत्त के अर्थ भी जानते हैं। इससे आपकी और आपकी अपनों की खूब खूब सुख हो, खूब खूब शांति हो, खूब खूब मंगल हो, ऐसी कामना भी करते हैं। साधु साधु साधु। सीवली परितंग पूरे त्वा पारमी सबे सबे पचे कनायका सीवली गुण तेजेना परितं तं भनामहे न जालिति ति जालिता आयो मामी स्वाहा बुद्ध सामी बुद्ध सत्यम। एक एक करके सभी बुद्धों के समान सभी पारमी पूरी किए हुए पंते शिवली जी के गुण तेज से युक्त वो शिवली परित्राण कहता हूं, जिससे जलाने जाने पर भी नहीं जलते हैं, महाशक्तियां अग्नि से भी नहीं जलते हैं, बुद्ध ही सत्य है। साधु साधु साधु। पदुमुत्तरो नाम जिनो सबे धम्मे सुचाखुमा इतो सत सहसम्मे कप्पे उपाचिनायको। सभी धम्मों के प्रति प्रज्ञा पाए हुए पद्मोत्तर बुद्ध ने आज से लाख कल्प पहले जन्म लिए हैं। साधु साधु साधु। सीवली च महाथेरो सोरहो पचया दिनं पियो देव मनुसानं पियो ब्राह्मणमुत्तमं पियो नागसुपन्नानं पीनिन्द्रियं नमामः। प्रत्यपाने योग्ये सीवली महाथेरा देव मनुष्यों को प्रिय है, उत्तम ब्रह्मों को भी प्रिय है, नाग सुपर्णाओं को भी प्रिय है। प्रणीत इंद्रिय से युक्त शिवली पंथ को मैं प्रणाम करता हूं। साधु साधु साधु। नासासिमे चमे से संग नान जालीति संजलिं
सदेव मनुष पूजितं सबलाभा भवन्तु ते। अनेक प्रकार के महान देवगण वो मनुष्यगण नाक तथा मुकुट सहित सिर नीचे रखकर पूजा योग्य शिवलि भंत की मैं भी पूजा करता हूँ, मुझे सभी लाभ प्राप्त हो। साधु, साधु, साधु। सत्ताहं द्वारमूलोहं महादुख समापितो माता मे छंद दानेन येव मासीषु दुःखिता। सात दिन तक जन्म के समय में महा दुख पाया है, आपकी माता भी खुशी से वो सारा दुख स्वीकार किया है। साधु, साधु, साधु। केशे सुचिज्जमानेषु अरहतमपापुनिं देवनागामनुसाच पच्चयानुपनेन्ति मे। बाल काटे जाने के समय ही अरहत पद पाया है, देव नाम तथा मनुष्यों ने अनेक प्रत्यय प्रदान किए हैं। साधु, साधु, साधु। पादुमुत्तर नामं च विपस्सिं च विनायकं संपूजयिं पमोदितो पच्चयेहि विशेषतो। प्रमोदित हुए शिवली भंते विशेष प्रत्ययों से पद्मोत्तर तथा विपस्सी बुद्धों की पूजा की है। साधु, साधु, साधु। ततो ते सं विशेषेन कम्मानं विपुलोत्तमं लाभं लभामि सर्वत्र वने गामे जले थले। भली भांति किए हुए पुण्य कर्मों के उत्तम फल पाते हुए जंगल में, गांव में, पानी में, थल में कहीं भी लाभ पाते हैं। साधु, साधु, साधु। तदा देवोपनीते ही ममत्थाय महामति पच्चये ही महावीरो ससंगो लोकनायको। उस वक्त महावीर ने देवताओं द्वारा दिए गए प्रत्यय से बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ की आदर गौरव से पूजा की। साधु, साधु, साधु। उपस्थितो मया बुद्धो गन्त्वारेव तमतस ततो चेतवनं
गन्त्वा ये तदग्गे ठपेसिमम्। उपस्थित बुद्ध ने मेरे साथ जाकर रेवत को देखा है, वहां से जेतवन में जाकर मुझे अग्रिम स्थान पर रखा है। साधु, साधु, साधु। रेवतं दशनत्थाय यदा याति विनायको तिंस भिक्खु सहस्ये हि सह लोकागणायको। जगत के अग्रनायक विशिष्ट नायक बुद्धा 30,000 भिक्खुओं के साथ जब रेवत को देखने जाते हैं, साधु साधु साधु। लाभिनं सीवलियको मम शिष्ये सुभिक्खवो सब्बलोकहितो सत्था कित्तयि परिसासुमं। भिक्खुगण, मेरे शिष्यों के बीच लाभ पाने वालों में सीवली अग्र है। बुद्ध ने ये लोकहित परिषद में बताए हैं। साधु साधु साधु। किलेशा चापिता तुय्यं भवा सब्बे समूहता नागो वो बन्दनं चेत्वा विहरामि अनासवो। सारा मैल जला दिया है, सारा भव नष्ट कर दिया है। बंधन तोड़े हुए हाथी की भांति मुक्ति पाकर रहता है। साधु साधु साधु। स्वागतं वत मे आसी बुद्धसेतस्य सन्तिकं तिस्सो विज्जानुपत्तो गतं बुद्धस्य शासनं। श्रेष्ठ बुद्ध के सामने मेरा जरूर स्वागत हुआ। बुद्ध के न्याय का पालन करते हुए 3 विद्याएं प्राप्त की। साधु साधु साधु। पति संविदा च तस्सोच विमोक्खोऽपि चाद्धमे छलविन्या सच्छिकता गतं बुद्धस्य शासनं। बुद्धोपदेश का पालन करते हुए 4 प्रतिसंविदा 8 विमोक्ष 6 अभिज्ञा प्राप्त है। साधु साधु साधु। बुद्ध पुत्रो महाथेरो सीवली जिन सावको उगते जो महावीरो तेजसा जिन शासनं। बुद्ध पुत्र जिन श्रावक सीवली मास्तवीर उग्र तेजस्वी है, महाबलवान है, बुद्ध शासन में भी
तेजस्वी हैं। साधु साधु साधु। रक्खन्तोऽशील तेजेन धनवन्तो यशस्विनो एवं तेजानुभावेन सदा रक्खन्तु शिवली। पालन करने योग्य शील के तेज से धनी है, यशस्वी है, ऐसे तेज के बल से शिवली सदैव रक्षा करे। साधु साधु साधु। कपथाई तिबुद्धसा बोधिमूले निषिदिया मारसेना पमदन्तो सदा रक्खन्तु शिवली। बोधी मूल में मार सेना को पराजित करके अरहत पद प्राप्त बुद्ध के शिष्य शिवली सदैव रक्षा करे। साधु साधु साधु। दस पारमिता पद तो पब्बजी जिन शासने गौतम शक्य पुत्तो से तेरे नाम शिवली। दस पारमी पूरी करके बुद्ध शासन से प्रभजित शिवली स्थापित गौतम शक्य मुनि के पुत्र हुए हैं। साधु साधु साधु। महाशावका असीतिंसो पुण्यथेरो यशस्विसो भवभोगगलाभिषो उत्तमो तेन शिवली। अस्सी महाश्रावकों के बीच में पुण्य स्थापित यशस्वी है, भौतिक लाभ पाने वालों से शिवली बनते उत्तम है। साधु साधु साधु। एवं अचिंतिया बुद्धा बुद्धधम्मा अचिंतिया अचिंतिये सुपसन्नानं विपाको होति अचिंतियो। ऐसे बुद्धों की संख्या असीमित है, बुद्ध धम्म भी अचिंतनीय है, अचिंतनीयों के प्रति प्रसन्न होकर अनंत विपाक पाते हैं। साधु साधु साधु। ते संसच्चेन शीलेन खान्ति मेत्ता बलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्खन्तु सब दुख विनाशनं। उन बुद्ध के शील शांति मैत्री के सत्य बल से मेरे सभी दुख विनाश हो, ये लोग मेरी सुरक्षा करें। साधु साधु साधु। ते संसच्चेन शीलेन खान्ति मेत्ता बलेन
नचा ते पितुं अनुराखन्तो सब भय विनाशनं। उन धम्म के शीला शांति मैत्री की सत्य बल से मेरे सभी भय विनाश हो, ये लोग मेरी सुरक्षा करें। साधु साधु साधु। ते संसत्सेन शीलेन खान्ति मेत्ता बलेन च ते पित्वं अनुरक्खन्तु सब रोग विनाशनं। उन संघ के शील शांति मैत्री की सत्य बल से मेरे सभी रोगों का विनाश हो, ये लोग मेरी सुरक्षा करें। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।